जो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 7 की सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 18 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पारितंत्र के बारे में। तो देखते हैं इसमें विचार करना है पहले। कैक्टस पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती हैं बच्चों? तो देखो होगा आपने जो कैक्टस के पौधे होते हैं बच्चों, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे के रूप में होती है। क्यों होती हैं बच्चों? ताकि जो आपने देखोगे जो कैक्टस है वो बच्चे मरुस्थल एरिया में पाया जाता है, जहाँ पर क्या है पानी कम होता है। और कांटे होने से क्या होता है कि वहाँ पे क्या है उसकी पत्तियों में से पानी का लॉस नहीं होता, इसलिए वहाँ पर क्या होता है कैक्टस के पौधों की पत्तियाँ कांटे के रूप में होती है, ताकि उनकी पत्तियों में से पानी का लॉस ना हो पाए। ठीक है, उसमें क्या पानी अब्जॉर्ब रहे हमेशा। नेक्स्ट है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में बहुत इजीली चल पाता है। वो चल क्यों पाता है? क्योंकि जो उसके पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, इसी कारण उसको रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कमल के पौधे की पत्तियाँ चपटी क्यों होती है? तो कमल की जो पत्तियाँ होती है पौधे होते हैं बच्चों, उसकी जो पत्तियाँ होती है वो बहुत ही चपटी होती है, ताकि वो किस लिए होते हैं ताकि वो पानी में तैर पाए इजली। ठीक है, तो इसलिए वो चपटी होती है। नेक्स्ट है मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? अब आपको पता है कि मेंढक को क्या चाहिए होता है बच्चों? पानी चाहिए होता है, क्योंकि वो क्या है जलीय प्राणी है। ठीक है, तो इसलिए वो पानी के आसपास ही पाया जाता है। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों भोजन के रूप का मुख्य भाग मछली क्यों खाते हैं? तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग मछली इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको मछली बहुत ईजिली मिल जाती है। तो ठीक है, तो इसलिए वो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग मछली खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। तो जैसे जैसे अलग अलग स्थान होते हैं वैसे वैसे सभी जीव जंतु और लोगों के रहन सहन क्या होते हैं बच्चे वहाँ पे, और वनस्पति क्या है बच्चों अलग अलग टाइप की पाई जाती है। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु या मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो पारितंत्र क्या होता है बच्चों? जिसमें सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव क्या करते हैं अपने पर्यावरण के साथ अपने एक संबंध बना लेते हैं, और इस संबंध को हम पारितंत्र का निर्माण कहते हैं। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया कहते करते हैं। तो एक पारितंत्र में क्या क्या चीज़ होती है? वो सभी चीज़ होती है जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर काम करते हैं, चाहे वे जीवी हो या फिर अजीवी है। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपनी निर्जीव वस्तुओं का द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियाँ हैं। वह स्थितियाँ निर्धारित करती है कि किस प्रकार की जीव वहाँ रहने के सक्षम होंगे। ठीक है, जो पारितंत्र उसकी कुछ स्थिति होती है, उसी स्थिति के अनुसार ही यह पता चलता है कि कौन सा जीव वहाँ पर रहने के लिए सक्षम होगा। जैसे जीव जंतु केवल वही पनप सकते जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हो। ठीक है बच्चों, अगर उनको अपनी ज़रूरतों की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो वहाँ पर नहीं रह पाते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घासतल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो हर एक चीज़ का क्या होता है बच्चे? एक पारितंत्र होता है। मानव भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो ये क्या बच्चा कृत्रिम पारितंत्र है जिसमें उसने मनुष्य ने ये बनाए हैं। ठीक है, एक ताल का पारितंत्र है जिसमें क्या एक बच्चों देखो यहाँ पे क्या है बतख है, यहाँ पे कमल का पेड़ है, या ठीक है यहाँ पे गाय भैंस है और ये बकरियाँ हैं, ये क्या है यहाँ आपस में यहाँ पे इनको सारी चीज़ मिल जाती है, तो ये इसके आसपास रहती हैं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो पारितंत्र मेन तौर पे बच्चों वही है जहाँ पर आप रहते हैं, और उस एरिया से जहाँ पर आप रहते हैं और उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसका आप यूज़ करते हैं, तो मिलकर क्या बना देती है बच्चों? वो पारितंत्र बना देती है। तो देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो पारितंत्र कैसे बनता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं पारितंत्र कैसे बनता है बच्चों। यहाँ पे था हमारा सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो कृत्रिम पारितंत्र के बारे में हमें बताना है, तो हमने पढ़ा था मछली का बाग, बगान और बाग, तो इसका आंसर आप करेंगे पार्क। ये क्या बच्चों? कृत्रिम पारितंत्र है। तो सेकेंड का आंसर हमारा सेकेंड। नेक्स्ट है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानना है। तो जैसे मछली, पानी, कमल का फूल, ये किस प्रकार का पारितंत्र है बच्चों? ये हमारा है तालाब। ठीक है, मछली भी पानी तालाब में पाई जाती है, पानी भी
और कमल का फूल। तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों तालाब। तो फर्स्ट को आप लिखेंगे तालाब। नेक्स्ट है रेत, ऊंट, कैक्टस। ऊंट कहाँ पाया जाता है बच्चों? मरुस्थल में। तो सेकंड में आप लिखेंगे मरुस्थल। नेक्स्ट है घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी। ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? हमारे वन में, ठीक है। तो इसको आप करेंगे थर्ड में। नेक्स्ट है शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ। ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? पर्वत पे। तो इसको आप करेंगे फोर्थ में, आप करेंगे पर्वत, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे और अपनी वर्कशीट को इस प्रकार कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। जल्दी से जल्दी आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, अपने टीचर से चेक करें। वर्कशीट के साथ साथ आप अपने असेसमेंट भी कंप्लीट करते जाएँ बच्चों रोज के। तो वर्कशीट अगर अच्छी लगी बच्चों आपको, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।